हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज एक काफ़ी गुड न्यूज़ आया है जो कि केरला स्टेट ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, यानी कि काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको ओपन कर दिया है। केरला एक क्लोज स्टेट है, केरला के लिए वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका MBBS या फिर डोमिसाइल केरला का है। तो केरला में आप अगर PG से या PG के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, डोमिसाइल या फिर MBBS केरला से है, तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है वो 20 लास्ट डेट है 20 अगस्त। 20 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले आपको दो तीन स्टेट थे जो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किए थे, जैसे कि आपको पौंडीचेरी ओपन किया था, पौंडीचेरी के बाद सिक्किम, मणिपाल, इसके बाद आपको तमिलनाडु का भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको केरला का ऑफिशियल साइट है www.cee.kerala.gov.in पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए PG मेडिकल 2022 न्यू आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके के फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। इस तरीके के फॉर्मेट ओपन होंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन डेट आपको, यानी कि एप्लीकेशन जो है वो आज से ओपन हुआ है, आज से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आपको 20 अगस्त तक चलेगा। इसके पास इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो 5 स्टेप्स टू अप्लाई फॉर PG मेडिकल, यानी कि 5 स्टेप हैं जिनको आपको फुलफिल करना है। यहाँ पे आपको पहला नंबर तो रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद पे आपको करना होगा एप्लीकेशन फ़ी, इसके बाद अपलोड इमेज एंड सर्टिफिकेट करना है, इसके बाद प्रिंट करके आपको अनकोलोजमेंट पेज को आपको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे इफ़ यू आर अ न्यू यूजर, तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप अगर रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करके रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप नीचे में कैंडिडेट लॉगिन में जाके आप सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं एक बार इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको देखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो केरला के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, वो केरला का ऑफिशियल साइट पर जाके आप ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, इसे एक बार आप जो डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके इसको रीड कीजिए। ये आपको UG और PG के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंपलसरी है। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, डीम्ड के लिए, सभी के लिए आप यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे किस तरीके से आप अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी जो भी स्टेट का जो भी आपको NRI कोटे के लिए यहाँ पे चेक कर पाएंगे, अपडेट आएंगे, मैं आप तक अपडेट करने की कोशिश करूँगा। जय दोस्तों, बाकी आपको 1 सितंबर से आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी। अब 1 सितंबर तक कुछ और भी 3-4-5 स्टेट होंगे जो अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, जैसे केरला स्टेट, पौंडीचेरी स्टेट और सिक्किम मणिपाल ने कराया, उस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन तो हो जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट होंगे, अलॉटमेंट होंगे, यानी कि राउंड 1 का, वो आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 के बाद ही होंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी आप लोग चाहें पेड सर्विस लेना, काउंसलिंग गाइडेंस लेना, तो वीडियो का स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल करके ले सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।